चलिए आज है ना हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन का. सो जेड इज इक्वल टू 2000x1 प्लस 1800x2 सब्जेक्ट टू दो कंडीशंस हैं, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 10 और दूसरा कंडीशन है 1000x1 प्लस 800x2 लेस देन और इक्वल टू 9000 एंड x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे अर्लियर वीडियो में उसको प्रिंटआउट साथ में रखेंगे ना तो अच्छा है, सब अच्छे से समझ में आएगा. तो पहला स्टेप क्या है? What is the first step? Adding slack variable. That is the first step. तो अब बोर्ड पे देखें, x1 plus x2 plus s1 is equal to 10 कर दिया हमने. अच्छा अभी ये जो values है ना बहुत बड़ी बड़ी values है, तो can we divide LHS and RHS by 1000? नहीं, 100 से करें. 1000 से करेंगे तो ये 800 अपॉन 1000 पॉइंट में आ जाएगा. तो 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स x1 प्लस 8 टाइम्स x2 प्लस s2 इज 90. इज दैट राइट? है ना, दोनों काम साथ में कर दिया हमने, स्लैक वेरिएबल ऐड भी कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया. और अभी मैक्सिमाइज इक्वेशन में 2000x1 प्लस 1800x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 और यहां पे नीचे x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, इतना कंप्लीट कर दो फटाफट. तो हमारा स्टेप 1 और 2 हो गया. अभी टेबल बनाते हैं. टेबल बनाने के टाइम पहले टेबल में हमेशा बेसिस में क्या आएगा? s1 और s2 आएगा और यहां पे उनके कोएफिशिएंट होंगे 0 0. x1 का कोएफिशिएंट है 2000, x2 का है 1800 और ये दोनों 0 0. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा थ्रू आउट ऑल द टेबल्स. फिर bi मतलब ये राइट हैंड साइड के वैल्यूज हैं, सो दैट इज 10 एंड 90. और अब हम इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं. x1 का जोड़ीदार 1, x2 का जोड़ीदार 1, S1 का 1, S2 का 0. यहां पे X1 का 10, X2 का 8, ये 0 और ये 1. ठीक है, नाउ ZJ कैसे मिलने वाला है? ऑल दीज वैल्यूज इंटू 0 प्लस दिस इंटू 0. फर्स्ट टेबल में गिनने का जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू 0 ही होंगी ZJ. अब डेल्टा J इज 2000 माइनस 0, दैट इज 2000. 1800 माइनस 0 इज 1800 एंड दीज टू आर 0 0. ठीक है, इतना टेबल कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए अभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है डेल्टा जे? प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है. मतलब मैं x1 का एक यूनिट बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 2000 से बढ़ेगा, x2 बढ़ाऊंगा तो 1800 से बढ़ेगा. तो नेचुरली मैं पहले ट्राई करूंगा कि प्रॉफिट मेरा 2000 से बढ़े. तो जो x1 है उसको हम बोल देंगे की कॉलम, या फिर उसको हम इनकमिंग वेरिएबल भी बोलेंगे. अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या लिखा है फॉर्मूला? bi अपॉन cj. cj मतलब अभी x1 को यूज करना है, तो 10 डिवाइड बाय 1 करना है. 10, 1 क्या है? ये 1 है. और इधर 90 डिवाइड बाय 10 करना है, 90 डिवाइड बाय 10 विच इज 9. ठीक है, अभी इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है? 9 लोएस्ट है, तो इसको हम की रो बोल देंगे, की रो. अब सुनिए एक और बात, नेक्स्ट टेबल जो बनेगा उसमें x1 विल बी इनकमिंग वेरिएबल,
S2 would be outgoing variable. तो next table में S2 के जगह पे X1 लिख देंगे हम, क्योंकि ये key row हमने choose किया है ना, तो जो key row वाला element है, variable है, वो outgoing होगा. और ये जो intersection है 10, इसको हम बोलते हैं key element. ये तीन चीजें करें, key column, key row और key element. ठीक है, आगे बढ़ें. समझा नहीं मैं, वो अभी आएगा बेटा. नहीं, वो मार्क नहीं करेंगे अभी. हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू की रो कैलकुलेट करेंगे. न्यू की रो, तो न्यू की रो क्या है, ओल्ड की रो नौ डिवाइड बाय की एलिमेंट. ओल्ड की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट. तो ओल्ड की रो को मैंने वर्टिकली लिख दिया, 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 10 8 0 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट है मेरा 10, तो डिवाइड बाय 10 10 10 10 10 90 डिवाइड बाय 10 इज 9, 10 बाय 10 इज 1, 8 बाय 10 0.80, 0 बाय 10 0, 1 बाय 10 0.10. डेसिमल के बाद दो डिजिट राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम. अब क्या कैलकुलेट करना है, न्यू आर वन कैलकुलेट करना है. तो न्यू आर वन का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू आर वन इज ओल्ड आर वन माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू की रो. इसको ब्रैकेट करना है, हुआ यहां तक. ओल्ड आर वन मतलब ओल्ड रो वन. हाँ, तो ओल्ड आर वन मतलब ये वाला रो अपना, पहला वाला. तो पहले मैं ओल्ड आर वन को वर्टिकली लिख देता हूं, 10 1 1 1 0, ये सारी वैल्यूज यहां से लेके यहां तक लिख दी मैंने, ओल्ड आर वन. फिर माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये जो 10 का जोड़ीदार है इस रो में, दैट इज 1, 10 के ऊपर वाला एलिमेंट जो रो का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 इज आवर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. तो 1 लिख दिया हमने इधर, ब्रैकेट करना नहीं भूलना. और फिर इन टू, अभी अभी जो लेफ्ट में हमने फाइंड आउट किया है, न्यू की रो विच इज 9 1.80 0 एंड 0.10. सो दिस इज 10 माइनस 9 विच इज 1, 1 माइनस 1 विच इज 0, 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2, 1 माइनस 0 विच इज 1, एंड दिस इज माइनस 0.10. ठीक है, अब इस वैल्यूज को नेक्स्ट टेबल में लिख के आप रेडी रखो. चलिए बताइए मुझे साथ में, सीजे क्या होगा, सीजे सीजे वही कॉपी करना है वापस, 2000 1800 0 एंड 0. बेसिस में पहला बेसिस तो वही रहेगा S1, दूसरा बेसिस हो जाएगा X1. S1 का कोएफिशिएंट है 0, X1 का कोएफिशिएंट है 2000. ठीक है यहां तक. अब नई वैल्यूज बताइए जरा प्लीज, बोलिए कोई एक जन. नो, इट इज इट 1 9 है ना, अच्छा 1 है, सॉरी आर आर 1 लिख रहे हैं पहले, सो दैट इज 1 0
ठीक है, ये वैल्यूज हमने कॉपी कर ली। अभी वही प्रोसेस रिपीट करना है, जेड जे कैलकुलेट करना है। जेड जे कैसे करोगे, तो मैं इधर लिख रहा हूं अभी 1 × 0 प्लस आई एम सॉरी, ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। सो 0 × 0 प्लस 1 × 2000 विच विल बी 2000, फिर 0.2 × 0 प्लस 0.8 × 2000 विच विल बी 1600, 1 × 0 प्लस 0 × 2000 विच विल बी 0, माइनस 0.1 × 0 प्लस 0.1 × 2000 विच विल बी 200। तो ये वैल्यूज यहां पे अगर मैं कॉपी कर लूं तो ये 2000 हो गया, ये हो गया 1600, ये हो गया 0 और ये हो गया 200। किसी को डाउट है इसमें? अब डेल्टा जे निकालते हैं तो 2000 माइनस 2000 इज 0, 1800 माइनस 1600 इज 200, 0 और ये माइनस 200। हुआ यहां तक? क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? नहीं। कैसे पता चला? यहां पे सारे वैल्यूज या तो जीरो होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। तो यहां पे ये एक भाई साहब पॉजिटिव है 200, विच मीन्स दिस विल बी नाउ माय इनकमिंग वेरिएबल विच इज माय की कॉलम। और वही प्रोसीजर पूरा रिपीट करना पड़ेगा। अब रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो 1 / 0.2 इज दैट 5 एंड 9 / 0.8 11.25। सो 5 लोएस्ट है, दिस इज योर की रो एंड इंटरसेक्शन इज 0.2 विच इज योर की एलिमेंट। तो अभी x2 विल बी इनकमिंग वेरिएबल एंड s1 विल बी आउटगोइंग वेरिएबल। अभी पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? न्यू की रो पहले फाइंड आउट करना है, तो न्यू r1 पहले फाइंड करना है। इसमें की रो फर्स्ट रो है। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड r1 डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो मैं ओल्ड r1 को वर्टिकली लिख लेता हूं, 1 0 0.201 एंड -0.10। फिर डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। की एलिमेंट हमें मिला है 0.20। कैलसी का इस्तेमाल करके आप डिवीजन करिएगा 0.20। सो द फर्स्ट वन इज 5, द सेकेंड वन इज 0, थर्ड वन इज 1, दिस इज ऑल्सो 5, 0.1 / 0.2 दैट इज 0.50 एंड नेगेटिव 0.50। न्यू आई एम गोइंग फास्ट, न्यू r2 कैसे गिनेंगे? ओल्ड r2 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू की रो, इसको ब्रैकेट कर दिया। ओल्ड r2 को मैं वर्टिकली लिख लेता हूं, विच इज 9 1.80 एंड 0.1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बच्चों? 0.80 होगा। 0.80 इंटू न्यू की रो जो मेरे लेफ्ट में है,
इसमें कैलकुलेशन अगर सिस्टमैटिकली करोगे तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, और नहीं करोगे तो अच्छे से मिस्टेक होगा फिर. रेडी? चलो, फर्स्ट होगा 9 - 4 दैट इज 5, 1 - 0 दैट इज 1, दिस विल बी 0, दिस इज -4, दिस विल बी 0.1. यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा. इज इट 0.04? 0.8 इंटू 0.5? नो, इट इज 0.4. सो इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 0.50. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं. अच्छा एक सेकेंड ना, अभी राइट नाउ हमारा सॉल्यूशन क्या है बच्चों? राइट नाउ हमारा सॉल्यूशन क्या है अभी सेकेंड टेबल में? तो हम x1 बना रहे हैं 9, ये हमारा सॉल्यूशन है, और x2 बना रहे हैं 0, क्योंकि x2 यहां पे बेसिस में नहीं है. और अभी हमारा प्रॉफिट कितना है? सो z इज इक्वल टू 2000 इंटू 9 प्लस 1800 इंटू 0 विच इज 18000. ये समझा यहां तक? अभी हमारा ये सॉल्यूशन है. कैसे पता चला? एक बार रिपीट करता हूं, बेसिस में जो होता है वो सॉल्यूशन है, और ये उसकी वैल्यूज है. मतलब x1 9 बनाइए सर, इधर x1 है ही नहीं, तो x2 आप नहीं बना रहे हो. x1 का प्रॉफिट 2000 है, तो 2000 इंटू 9 18000 प्लस 1800 इज 0. सो करंटली अवर प्रॉफिट इज 18000. ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं. तो x1 इज 2000, 1800, 0 एंड 0. बेसिस में क्या आ गया रे अभी? फर्स्ट क्या आ गया? x2 आ गया, सेकेंड x1 आया, x2 1800, x1 2000. अब पूरा रो बताइए जरा, फर्स्ट रो क्या हुआ था? हाँ हाँ, यस यस, ओके, ओके. अब ZJ कैलकुलेट करते हैं वापस से. सो ZJ इज इक्वल टू 1800 इंटू 0 प्लस 2000 इंटू 1 दैट इज 2000. 1800 इंटू 1 प्लस 2000 इंटू 0 दैट इज 1800. 1800 इंटू 5 प्लस 2000 इंटू -4 दैट विल गिव यू 1000 एज द फाइनल आंसर. 1800 इंटू -0.5 प्लस 2000 इंटू 0.5 दिस विल गिव यू 900, मतलब -900 और प्लस 1000 दैट इज 100. सो द वैल्यूज हियर आर 2000, 1800, 1000 एंड 100. और डेल्टा जे हमें मिलेगा 0, 0, -1000 एंड -100. क्या हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? हाँ, तो लिखो एक लाइन, ऑल डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0. ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, हेंस अबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल. और सॉल्यूशन है क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज x1 वी विल प्रोड्यूस 5,
x2 also we will produce 5, and our z will be 2000 into x1 plus 1800 into x2, which is 10,000 plus 9,000, I'm sorry, which is 19,000. एक क्रॉस चेक करके दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग है। यहां पे हमारा प्रॉफिट कितना था? 18,000। ये ध्यान से सुनिएगा, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा। और हमने यहां पे बोला कि ये ऑप्टिमल नहीं है। और ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाई साहब पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव है का क्या मतलब है? दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स टू दैट वी एड, अवर प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 200 रुपीज। How many units we could add? X2 के हमने कितने add किए? 5 यूनिट हम add कर पाए, हाँ या ना? तो 5 into 200 कितना होता है? 1000 होता है? तो हमारा profit 1000 से बढ़ गया, जो था उससे। इधर कितना था? 18,000, और अब कितना हो गया? 19,000। समझा आपको? तो ये above solution optimal हो गया, और ये इस simplex problem का answer है। इसके बाद के वीडियो में ना हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आधा अधूरा सॉल्यूशन दिया होगा और कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए होंगे जिसके आंसर हमें निकालने होंगे, ठीक है?